आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चटपटा जैन पिज़्ज़ा गोल्ड कॉइन, जिसे आप स्टार्टर में, डिनर में, बच्चों के टिफिन में या फिर कोई गेस्ट आए तब भी आप सर्व कर सकते हो या फिर किटी पार्टी के लिए भी बना सकते हो। और बिना फ्राई किए घर के बेसिक सामान के साथ झटपट बन जाता है और साथ में एकदम टेस्टी डिप भी बनाएंगे। जय जिनेन्द्र, वेलकम टू माई जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनर। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा गोल्ड कॉइन बनाने के लिए स्टफिंग बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ एक कच्चे केले को बॉईल करके छिलका निकाल कर इसे मैशर से मैश कर दिया है। अब इसमें हम 1/3 कप बारीक कटा हुआ कैप्सिकम, 1/3 कप बारीक कटा हुआ टमाटर और 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। और टमाटर में से मैंने बीज का पार्ट निकाल दिया है। अब सब इसे हम कच्चे केले के साथ मिक्स कर लेंगे। और यहाँ 1/3 कप स्वीट कॉर्न को भी मैंने हल्दी, चीनी और नमक डालकर बॉईल कर लिया है। इसे भी हम मिक्सर बाउल में हल्का दरदरा ग्राइंड करेंगे और फिर इसमें स्टफिंग के साथ ऐड करेंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा पेस्ट जैसा नहीं बनाना है। और स्वीट कॉर्न को इस तरह बॉईल करके फिर ऐड करेंगे तो पानी नहीं छूटेगा। अब इसमें 50 ग्राम पनीर को भी इस तरह ग्रेटर से ग्रेट करके ऐड करेंगे। तो पनीर भी आप चाहो तो घर पर बना सकते हो। मैंने आज रेडीमेड पनीर का ही यूज़ किया है। वैसे आप चाहो तो स्टफिंग में कैबेज भी ऐड कर सकते हो। और चमासे के लिए बना रहे हो तो आप हरा धनिया को स्किप कर दीजिए। अब इसमें 1 चीज़ क्यूब को ऐड करेंगे। तो मैंने आज प्रोसेस चीज़ क्यूब का ही यूज़ किया है। आप चाहो तो मोजरेला चीज़ का भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए मैंने चीज़ ग्रेट कर दिया है। अब इसमें 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून ऑरेगानो और 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। और 1/4 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो नमक हम ऐड करने वक्त ध्यान रखेंगे, क्योंकि चीज़ भी इसमें ऐड किया है तो चीज़ में नमक की मात्रा होती है। तो देखिए सब अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये जब बनाना है तब भी हम स्टफिंग बनाएंगे, जिससे सब्जियों में से पानी नहीं छूटेगा। तो देखिए सब मिक्स कर लिया है। अब लास्ट में हम 1 टेबल स्पून टोमेटो सॉस ऐड करेंगे, जिससे ये स्टफिंग बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो स्टफिंग बनाने वक्त हमें ध्यान रखना है कि टमाटर में से बीज का पार्ट निकाल देना है, जिससे टमाटर में से पानी नहीं छूटेगा। देखिए सब अच्छे से मिक्स कर लिया है और स्टफिंग की कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हो। अब हम डिप बनाएंगे। तो मैंने यहाँ 1 से 1.5 टेबल स्पून टोमेटो सॉस लिया है और इसमें 1 टेबल स्पून मेयोनीज ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ये डिप थोड़ा स्पाइसी चाहिए तो आप थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ऑरेगानो ऐड कर दीजिए, तो ये डिप थोड़ा स्पाइसी हो जाएगा। तो मिक्स करने के बाद मैं यहाँ थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर रही हूँ। आपके पास है तो ऐड कर दीजिए, या फिर आप सेज़वान सॉस भी ऐड कर सकते हो। और नहीं है तो आप स्किप करके चिली फ्लेक्स और ऑरेगानो ऐड कर देंगे, तब भी ये डिप टेस्टी बनेगा। अब हम एक स्लरी बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और 2 से 3 चम्मच मैदा ऐड करेंगे। मैंने आज गेहूं का आटा ही ऐड किया है। चुटकी भर काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके लम्स फ्री स्लरी बनाएंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और स्लरी बनाकर तैयार करेंगे। तो न ज़्यादा गाढ़ा रखना है। तो देखिए कंसिस्टेंसी इस तरह से कोट हो जानी चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। तो देखिए स्लरी बनकर तैयार है। अब गोल्ड कॉइन बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 ब्रेड स्लाइस लिया है। अब इसे हम कटोरी की मदद से राउंड शेप में कट कर लेंगे। आप कुकी कटर या फिर ग्लास किसी से भी कट कर सकते हो, जिसमें ब्रेड ज़्यादा वेस्ट नहीं होगी और राउंड शेप कट कर लेंगे। और ये जो साइड के किनारे बच जाएगी उसे आप ब्रेड क्रम्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ इसी तरह सेम तरीके से 4 ब्रेड को कट करके मैंने राउंड शेप में बना लिया है। अब इसे हम थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। वैसे गोल्ड कॉइन तो डीप फ्राई करके बनाया जाता है, पर आज हम शैलो फ्राई करके ही बनाएंगे। तो उसके लिए पहले हम ब्रेड स्लाइस को इस तरह से हल्का ड्राई रोस्ट करेंगे। ना ऑयल या बटर कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इस तरह से हल्का रोस्ट हो जाए तब हम एक प्लेट में रख देंगे। तो इस तरह से एक साइड रोस्ट करने से वो साइड क्रिस्प हो जाएगी और जो साइड क्रिस्प बनेगी वहाँ हम स्टफिंग करेंगे, तो ब्रेड सॉगी नहीं बनेगी। तो देखिए यहाँ जिस साइड हमने क्रिस्प किया था वहाँ हम जो डिप बनाया था वो स्प्रेड कर देंगे। तो सारी स्लाइस पर हमें इस तरह से डिप को स्प्रेड कर देना है। तो गोल्ड कॉइन जैसे डीप फ्राई करके बनाया जाता है, तो इस तरह से हमें क्रिस्प करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे हमें डीप फ्राई करना होता है। पर जब डीप फ्राई करते हैं तो वो ज़्यादा ऑयली हो जाता है, तो मैंने यहाँ डीप फ्राई नहीं किया है। तो देखिए यहाँ सारी ब्रेड पर मैंने डीप स्प्रेड कर दिया है। अब इसके ऊपर हम स्टफिंग स्प्रेड करेंगे। तो स्टफिंग हमें 1 से 1.5 टेबल स्पून स्प्रेड करना है और इस तरह से हल्का प्रेस करके पूरी स्लाइस के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब इसके ऊपर जो हमने स्लरी बनाई थी वो
अच्छे से स्प्रेड करेंगे जिससे स्टफिंग कवर हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा स्लरी स्प्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से हल्के हल्के स्प्रेड करेंगे तो स्टफिंग कवर हो जाएगा। तो सेम तरीके से हमें सारे कॉइन के ऊपर इस तरह से स्टफिंग को अच्छे से स्प्रेड कर देना है। बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं भरना है, इस तरह से 1 से 1.5 टेबल स्पून स्टफिंग स्प्रेड करेंगे और तुरंत ऊपर हम स्लरी को भी स्प्रेड कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हल्का पतला कोटिंग होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक कोटिंग नहीं करना है। अब सारे गोल्ड कॉइन के ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे। वैसे आप स्पाइसी कम खाना पसंद करते हो तो आप स्किप भी कर सकते हो। अब नॉनस्टिक पैन के ऊपर थोड़ा सा घी डाल देंगे और फिर जो साइड हमने स्लरी डाला था वो साइड हमें तवे पे ऐड करना है, यानी स्लरी वाला पार्ट है उसे हमें पहले रोस्ट करना है। तो देखिए हमें सारी ब्रेड को इस तरह से रख देना है, ज़रूरत लगे तो हम वापस थोड़ा सा घी डाल देंगे। आप चाहो तो बटर या फिर ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए जो स्लरी वाला पार्ट है उसे हमें पहले रोस्ट करना है और 1 से 1.5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर रोस्ट करेंगे तो रोस्ट हो जाएगा। अब हम साइड चेंज कर देंगे और ज़रूरत लगे तो आप साइड चेंज करने से पहले ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा घी या बटर स्प्रेड करके फिर साइड चेंज करेंगे। तो मैंने यहाँ कुछ भी ऐड नहीं किया है, फिर भी ये एकदम क्रिस्प हो जाएगा। देखिए मैं साइड चेंज करके भी दिखा रही हूँ तो एकदम क्रिस्प हो गया है। तो अब इसे हम प्लेट में निकाल देंगे और गर्मा गर्म सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। तो इतने स्टफिंग में से हम 10 से 12 गोल्ड कॉइन बना सकते हैं। तो देखिए मैं एक पीस को पास से भी दिखा रही हूँ, दोनों साइड से गोल्डन क्रिस्प हो गया है, खाने में भी अंदर से एकदम चीजी है जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप भी एक बार घर पर जरूर ट्राई करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।